कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को भूंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस हाउस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद हम मुमरा के दारुल फलाह मस्जिद के पास, और आपको बता दें कि जिस तरह से रामनवमी के जुलूस के दौरान राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और भी ऐसे कई राज्यों में वहां पर हिंसा होने की खबर सामने आई थी, और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कहीं ना कहीं जो है जिस तरह मध्य प्रदेश में खासतौर पर जिस तरह से करीब 45 घरों को बुलडोजर से मध्य प्रदेश की सरकार ने तोड़ दिया, ये कहते हुए उन्हें तोड़ा गया कि इन लोगों के घरों से पत्थर चला था। खासतौर पर मुमरा के दारुल फलाह मस्जिद में आज यहाँ पर जुमे की नमाज खत्म होने के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के तरफ से एक प्रोटेस्ट यहाँ पर रखा गया था कि जिस तरह से हिंदुस्तान में मुसलमानों पर लगातार जुल्म हो रहे हैं, जुलूस की आड़ में रामनवमी के जो जुलूस निकाला गया था उसके संदर्भ में जिस तरह से हिंसा गुजरात में हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई, इसी तरह से राजस्थान में जिस तरह से हिंसा हुई इसके खिलाफ, और खास तौर पर महाराष्ट्र में भी जिस तरह से अजान और लाउडस्पीकर को लेकर एक सियासी भूचाल मचा हुआ है, इस सभी संदर्भ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुमरा के जो अध्यक्ष है मतीन सखानी, उन्होंने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन का एक एहतजाज किया था, और इस दौरान जो है उन्होंने मुमरा पुलिस को एक मेमोरेंडम भी दिया है। हम आपको सुनाते हैं इस विरोध प्रदर्शन में क्या कुछ मतीन सखानी ने कहा है। या जितनी भी माइनॉरिटीज इस देश के अंदर रह रही है उन सबके साथ जुल्म सितम हो रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। अजीज भाइयों, ऐसे में रामनवमी एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है, त्योहार के दिन त्योहार के नाम पर पूरे देश के अंदर में एक माहौल खराब करने की गंदी साजिश की जा रही है, ये हम सब देख रहे हैं। फेस्टिवल मनाना, त्योहार मनाना हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक ने खुशी से मनाना चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की किसी तालीम में आपने या मैंने तो आज तक इतनी मुताला या तालीम की है, पढ़ाई की है, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी धर्म के खिलाफ जा करके मस्जिद में चढ़कर भगवा झंडा लहराइए। लेकिन ये काम एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ संगठन कर रहे हैं, और ऐसी फिस्ताई ताकतों को रोकना डेमोक्रेटिक वे में हम सब की जिम्मेदारी बनती है। भाइयों, आज आवाज उठाना, बात करना भी मुश्किल हो गया है हमको। पुलिस वाले बेचारे, उन पर भी प्रेशर है, वो बोलते 15-20 मिनट बात करिए, उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम उतना ही करेंगे, कोई मसला नहीं है। आप देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर दरगाह को जला दिया गया, पुलिस भी है, प्रशासन भी है, लेकिन एक भीड़ तंत्र के जरिए नंगी तलवारों को लेकर हजारों लोग रोडों पर निकल कर आ गए हैं। इनका क्या मकसद है? हम इनसे भी कहना चाहते हैं कि ऐसी बेवकूफाना हरकत में मत पड़िए, ये देश बहुत अच्छा है, इस देश को हमको बचाना है। इस नफरत की राजनीति इस देश को खत्म कर देगी। इस नफरत की राजनीति, इस सत्ता की लालच से हमको इस देश को बचाना है। हम सब ने मिलकर आगे चलकर हर एक से अंदर अवेयरनेस लाना है कि हम नफरत की राजनीति और नफरत की बात को इस देश में नहीं करने देंगे, और जो लोग कर रहे हैं उनको भी संवैधानिक तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया है उसकी भी तालीम देकर हम उनको सबक सिखाना है, उनको बताना है कि ऐसा मत करिए। साथ ही साथ और हमारे मदरसों के अंदर कभी भी या मस्जिदों के अंदर से कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, ये सारे डिपार्टमेंट वालों को भी मालूम है। हम कभी भी ऐसी कोई नफरत वाली बात कभी नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जब नफरत की बातें होती है तो ऐसी नफरत की बातों को, ऐसी चीजों को रोकने का काम भी प्रशासन का है। मैं उनसे भी दरखास्त करता हूँ कि मुमरा के अंदर भी कुछ चंद मुट्ठी भर लोग इस मुमरा के माहौल को खराब करने की आगे चलकर कोशिश करने की कोई तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में एक हम जो है, हमारी जिम्मेदारी है
कि हमने एक अच्छा कोऑपरेशन बना करके काम करना है। अजीज भाई और पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों से हर तरह से मुसलमानों को और दूसरी माइनॉरिटीज पर अटैक करने की कोशिश हो रही है। कहीं धर्म संसद लगाया जा रहा है, मुसलमानों की नस्ल कुशी और जेनोसाइड की बातें की जा रही है। ऐसे लोगों पर FIR तक नहीं हो रही है। एक पूरा सिस्टम, ऐसे लोगों पर FIR तक नहीं हो रही है। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल और बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े रिटायर्ड जज ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर रोक लगाइए, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। ऐसे में हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंड लिया है और हमारी ये मांग है कि हम सरकार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर सिटिंग जज उनकी निगरानी में एक कमीशन बनाया जाए और ये त्योहारों के नाम पर, पालकी यात्रा के नाम पर, जुलूस जलसे के नाम पर जो मुसलमानों के खिलाफ नफरतें फैलाई जा रही है, इस नफरत का एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। इसके पीछे कौन सा षड्यंत्र है, कौन सी तंजीमें हैं, कौन सी ताकतें हैं ये काम कर रही है, ये हमको जानना जरूरी है। और मुंब्रा पुलिस से भी अपील करता हूँ कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब तक के उन्होंने इस मेंटेन किया है लॉ ऑर्डर को, सिचुएशन को, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को भूंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस सब में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी।